हम जानकारी के साथ करेंगे। और दिल्ली से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला हुआ है। सीएम आवास पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया, इस वक्त की बड़ी खबर। और ये आपको बता दें कि सीसीटीवी सिक्योरिटी बैरिकेड्स भी तोड़े गए हैं। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, फिर जानकारी दी गई, सीएम आवास पर हमला, सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला हुआ है। सीएम आवास पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। फिलहाल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट किया गया, सीसीटीवी और सिक्योरिटी बैरिकेड्स भी तोड़े गए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी, ट्वीट उनकी तरफ से किया गया। शिवेंद्र अमिताभ इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। शिवेंद्र, क्या पता लग पाया है कि कौन थे ये और क्यों ये हुआ? देखिए, कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। अब वो जो असामाजिक तत्व बता रहे हैं, जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके जानकारी दी है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया है और सीसीटीवी कैमरे और जो सिक्योरिटी के बैरिकेड थे उनको तोड़े गए हैं, गेट पर लगे बैरिकेड भी तोड़ दिए गए हैं। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी शिवेंद्र। लेकिन मनीष सिसोदिया का 18 मिनट पहले एक और ट्वीट था जिसमें उनकी तरफ से लिखा गया कि बीजेपी के गुंडे सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करते रहे, बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की जगह उन्हें घर के दरवाजे तक लेकर आई। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पे आरोप लगाया, लेकिन जब पुलिस से इस मामले में बातचीत करने की कोशिश की गई, पुलिस ने अभी तक कोई अपना ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। तो मनीष सिसोदिया का जो बयान आ रहा है उसमें साफ तौर से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी के गुंडे हैं। लेकिन हालांकि पुलिस तरफ से अभी साफ नहीं हो पाया कि ये कौन लोग थे। किसी तरह की कोई हानि तो नहीं हुई शिवेंद्र? सिर्फ बैरिकेड को तोड़े गए, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं, जो ट्वीट पे जानकारी दी गई है उनके तरीके से पुलिस के द्वारा भी कहा जा रहा है। और इसके अलावा कोई और नुकसान नहीं हुआ, किसी आदमी को चोट नहीं आई है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि इन बैरिकेड को छोड़कर और कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट देंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से फिलहाल ट्वीट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और सीएम आवास पर हमला असामाजिक तत्वों ने किया।